शरीराचे अवयव आहे? चित्र दिसत आहे, काय आहे चित्रात? पहिली आहे, ती काय करते? नाकाने फुलाचा वास घेत आहे. आणि दुसऱ्या चित्रात पहा, ती काय करते? करती है. पुस्तक घेऊन आपल्या डोळ्यातून बघत आहे आणि वाचत आहे पुस्तक. हा मुलगा पहा काय करत आहे, धावत आहे, आपल्या पायाने धावत आहे. हा काय करत आहे? लिखत आहे. पेन किंवा पेन्सिलीने ते लिहित आहे. ती मुलगी बघा काय करते, हसतो, जेवण करत आहे. ती पहा मुलगी, त्याच्या हातात मोबाईल आहे, तिने आपल्या हातात मोबाईल धरला आहे. हे सगळे काम आपल्या अवयवाने करत आहे. आज आपण एक गाणं शिकणार आहोत. आपण सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळ पर्यंत रात्री पर्यंत आम्ही आपल्या हाताचा खूप वापर करतो. यासाठी कवीने कविता लिहिलेली आहे, माझा हात. मुलांना आपण या दोन्ही हाताने खूप काही कामे करतात ना, तर पहा आजच्या हे गाणं. एक बार मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप लोग बोलोगे, ठीक है? Yes, teacher. सुनाई दे रहा है ना? Yes, teacher. माझा हात नहीं बोलोगे, मेरे बोलने के बाद बोलोगे, ठीक है? Yes, teacher. माझा हात दात काटला माझा हात. बाबू सुनो, एक बार मैं पूरी कविता पढ़ लूंगी, उसके बाद दो दो लाइन, एक एक लाइन पढ़ोगे, उसके बाद आप लोग बोलोगे, ठीक है? Yes, teacher. अभी नहीं बोलोगे. माझा हात दात घासायला माझा हात खाऊ खायला माझा हात दार उघडायला माझा हात कचरा काढायला माझा हात काम करायला माझा हात मदत करायला माझा हात. अब आप लोग बोलोगे, एक लाइन मैं बोलूंगी, फिर आप लोग बोलोगे. माझा हात दात घासायला माझा हात माझा हात खाऊ खायला माझा हात माझा हात दार उघडायला माझा हात माझा हात कचरा काढायला माझा हात काम करायला माझा हात मदत करायला माझा हात. या चित्रातून काय काय दिसत आहे पहा. ही पाणी देतो. अब देखो, हम लोग दो दो लाइन को समझेंगे. क्या थी पहली लाइन? माझा हात दात घासायला माझा हात.
माझा हात माझा हात दात घासायचा माझा हात. ही मुलगी काय करत आहे? ब्रश. ब्रश. आपण सकाळी उठतो आणि ब्रश करतो ना. हा. आपल्या हातात काय धरली आहे? ब्रश. उसने अपने हाथ में क्या लिया है? ब्रश. और हमें दिन भर में दो बार ब्रश करना चाहिए ना, करते हो कि नहीं? बोलो. नहीं करते हो लगता है. करना चाहिए, दिन भर में हमें दो बार ब्रश करना चाहिए. दिवसातून दोन वेळा आम्हाला ब्रश करायचं. माझा हात माझा हात खाऊ खायला माझा हात. माझा हात माझा हात खाऊ खायला माझा हात. चित्रात पहा काय दिसत आहे. चित्रात मुलगा आहे. आहे कि नाही? यस टीचर. हा. खाताना आपल्याला दिसतो. वो बच्चा हमें खाते हुए दिख रहा है. आपण चमचाने किंवा हाताने खातो ना? येस येस टीचर. बघा दुसऱ्या चित्रात काय आहे. माझा हात माझा हात दार उघडायला माझा हात. माझा हात माझा हात उघडायला माझा हात. ये बच्ची दिख रही है आप लोगों को? हमारे घर पर कोई आता है, डोर बेल बजती है ना, हम लोग जाते हैं दरवाजा खोलने. जाते हैं कि नहीं? यस. क्या कर रही है? कोई आया है बाहर और वह जा रही है दरवाजा खोलने के लिए. दार उड़ाएला दरवाजा खोलने के लिए. तो उसने किसका प्रयोग किया है? हाथों का. दरवाजा खोलने के लिए भी उसने हाथों का उपयोग किया है. माझा हात माझा हात कचरा कढायला माझा हात. बोलो. माझा हात माझा हात कचरा कढायला माझा हात. काय चित्रामध्ये? आपल्याला चित्रामध्ये एक मुलगा दिसला आहे. तो काय करत आहे? एका हातात झाडू घेऊन दुसऱ्या हातात काय आहे? केर भरणी. कचरा उठाने वाला आहे कि नाही? झाड़ू लगाकर सारे कचरे को एक साथ लेकर सफाई कर रहा है. हम लोग भी सफाई करते हैं ना, हमारी मम्मी करती है कि नहीं? स्कूल में शॉपनर करते हैं, कुछ भी कचरा रहता है हम साफ सफाई करने के बाद बैठते हैं कि नहीं? yes, तो आगे देखते yes. हैं yes. माझा हात माझा हात मदद करायला माझा हात. अभी चित्र में क्या दिख रहा है? पानी दे रही है. पानी कौन दे रहा है? लड़की. या चित्रामध्ये एक छोटी सी मुलगी आपल्या आजोबांना पाणी आणून देत आहे. वो अपने आजोबा को क्या कर रही है? पानी लाकर दे रही है. उनको मदद कर रही है ना पानी लाकर देने में. वो बूढ़े हैं, दिख रहे हैं ना बूढ़े? हमको भी अपने घर में जो भी बड़े बूढ़े होते हैं, अगर हमें कोई काम कहते हैं तो हमें वो काम करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए. करते हैं कि नहीं? यस. अभी देखो आगे देखते हैं. ये शब्दार्थ है, कठिन शब्द है. माछा हाथ मतलब मेरा हाथ. दूसरा है मदद. मदद करना, दूसरों की सहायता करना, काम कार्य. दांत घासड़े, सुबह हम लोग ब्रश करते हैं ना, दांत को स्वच्छ करते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? यस टीचर. हम लोग करके बैठे हो ना, दांत साफ करके बैठे हो ना? यस टीचर. अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हो. खाओ खाण्यासाठी, खाने के लिए. दार उघडण्यासाठी, दरवाजा खोलते है ना उसके लिए शब्द है. दार उघडण्यासाठी. कचरा काढणे, कचरा निकालते है कि नहीं? साफ सफाई करते हैं हम लोग. यस टीचर. हा हा. या गाणे मध्ये आपण काय शिकलो? आपण शिकलो कि कुठलंही काम करताना, खाणा असू दे पिणा असू दे, दरवाजा उघडताना किंवा ब्रश करताना, आपण क्या हाताचा वापर करतो.
अभी ये कविता सुनो तो। माझा हात दात घासायला माझा हात, माझा हात माझा हात खाऊ खायला माझा हात, माझा हात माझा हात दारू उघडायला माझा हात, माझा हात माझा हात कचरा काढायला माझा हात, माझा हात माझा हात काम करायला माझा हात, माझा हात माझा हात मदत करायला माझा हात, मदत करायला माझा हात, माझा हात माझा हात माझा हात। सुने कविता सुने सभी लोग। अभी चित्र देखो तो चित्र पहा आणि सांगा काय काय दिसत आहे। मुलगा बसला आहे काहीतरी खात आहे, आहे की नाही पहिल्या चित्रामध्ये। येस, घेऊन वाटी घेऊन चमचा घेऊन खात आहे ना। येस, दुसऱ्या चित्रामध्ये पहा ब्रश करत आहे मुलगा, ब्रश करत आहे। तिसऱ्या चित्रामध्ये पहा मुलगा आणि मुलगी काय करत आहे, सफाई सफाई करत आहे। सफाई करत आहे। पहा ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, अभ्यास करत आहे, लिख रहा है। आपल्या कॉपी मध्ये काहीतरी लिहित आहे पेन किंवा पेन्सिल। या चित्रामध्ये पण आपण पाहू शकतो की खाताना ब्रश करताना सफाई कामे करताना तसेच लिहिताना आपण पेन्सिल किंवा पेन पकडतो ना, त्यातून आम्ही हाताचा वापर करतो। हे चित्र पहा आणि हातांची कामे आणखी कोण कोणती सांगा। पहिल्या चित्रात काय आहे, पहले चित्र में क्या दिख रहा है बोलो जरा। पहले चित्र में वो लड़का कुछ मोती लगा रहा है। और लड़का एक सुंदर मार तैयार के ले लिया है। देखो इस चित्र में क्या दिख रहा है, मोतियों को गुथते हैं ना हम धागे में, उसमें गूंथ कर एक सुंदर सी माला तैयार की है। तो जो हम मोती गूंथने का काम करते हैं वो भी अपने दोनों हाथों से करते हैं, करते हैं कि नहीं। Yes. अभी दूसरे चित्र में देखो क्या दिख रहा है, एप्पल। एप्पल सफाई कौन सा कलर है, रेड। लाल, वो भी एप्पल जो है अपने हाथ में लिया है ना, हाथा धरला है, सफरचंद हाथा धरला है ना। आणि तीसरा चित्रात पहा काय आहे, लॅपटॉप चला रहा है लड़का, लॅपटॉप चला रहा है लड़का। काय आहे, कीबोर्ड, लॅपटॉप किंवा कम्प्युटरचा कीबोर्ड आहे। आपण आपल्या हाताचा उपयोग करून कीबोर्डचा वापर करतो। इसमें देखो क्या दिख रहा है, दो हाथ दिख रहे हैं ना। एक हाथ से कोई कुछ दे रहा है और दूसरे हाथ से कोई ले रहा है, तो देने लेने के लिए भी हम एक दूसरे की मदद करने के लिए भी अपने हाथों का उपयोग करते हैं। चित्र दिसत है, छान सी छोटी सी मुलगी दिसत आहे ना। पहिल्या चित्रात काय करत आहे, ओ बैठी है। आपण शाळेत किंवा घरी आल्यानंतर अभ्यास करतो ना, अभ्यास करण्यासाठी बसतो, ती सुद्धा बसली आहे अभ्यास करत आहे, पेन किंवा पेन्सिलीने ते लिहित आहे। आणि दुसऱ्या चित्रामध्ये काय करत आहे, ती दफ्तर घेऊन शाळेत चालली आहे, बॅग लेकर वो स्कूल जा रही है और वह हाथों से खूप खुश होकर टाटा कर रही है। वो किससे कर रही है, अपने हाथों से टाटा कर रही है, बाय बाय कर रही है, दिख रही है कि नहीं।
या चित्रामध्ये काय दिसते? तीच मुलगी आहे. ती जेवण करत आहे, काहीतरी खात आहे, बसून आपल्या हाताने खात आहे. मम्मी भी घर में काम करती है ना? हाँ. कौन कौन सा काम करती है? हाँ, भाजी काटती है, भाजी काटती है, खाना बनाती है, खाना बनाती है, चाय बनाती है. ठीक है, अभी बस करो. देखो तो इस चित्र में भी एक मम्मी दिख रही है, क्या कर रही है? बच्चों को पढ़ा रही है. दूसरे चित्र में देखो, भांडी घासत आहे ना आई. तिसऱ्या चित्रामध्ये पहा, हा स्वयंपाक खाना बना रही है ना मम्मी. तिसरे चित्र में खूप अच्छी सी ड्रॉइंग की जा रही है. आपण ड्रॉइंग करतो ना, आपण हाताचा वापर होतो सगळ्या कामांमध्ये. आपल्या हातांचा वापर केला आहे आईने पण. अभी देखो जो चित्र दिख रहा है वो शब्द दिया हुआ है, तो चित्रों से शब्दों की जोड़ियां मिलानी है. पहले चित्र में क्या दिख रहा है? थाली है ना, खाने की थाली है. दूसरे चित्र में मदद कर रहा है कोई एक दूसरे की. तीसरे चित्र में क्या है? हमारा सिलेंडर खत्म हो जाता है तो गैस का बाटला आता है ना, लेकर आते हैं, हाथ से उठाकर लाते हैं ना, तो ये भी काम हो रहा है चित्र में. यहाँ देखो किसका चित्र है? सुबह सुबह आता है हमारे घर से कचरा लेने के लिए, कचरा वाला. सफाई कर रहा है ना वो भी. इसके चित्र में देखो दार उघडण्याचा काम होता है. आणि लास्ट चित्रात पहा काय दिसत आहे? लास्ट मुलगी काय करत आहे? गेट. अभी देखो शब्द क्या दिया हुआ है? दार उघडणे. पहला शब्द है दार उघडणे, दूसरा है खाऊ खाणे, तीसरा दांत घासणे, कचरा काटने मदद करने, दार उघरने. ये दरवाजा खोलने वाली कृति कौन से नंबर पर है? दरवाजा खोलने वाली कृति कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर. तीन नंबर पर. हाँ, खाओ खाने. कोई खाना खा रहा है यहाँ पूरे चित्रों में? सेकंड. फर्स्ट. फर्स्ट. हाँ. दांत घास रहे. हाँ. हाँ. लास्ट. लास्ट. काम करने, कचरा काटने. फर्स्ट. 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 अभी एक चित्र बच गया है ना? हाँ. फर्स्ट हो गया पूरा कि बाकी है कुछ? नहीं. अभी अगला देखते हैं. खालील सवई योग्य अयोग्य ते सांगा. अगर जो सही है, जो आदतें हमारी अच्छी हैं उस पर हम सही का निशान लगाएंगे, और जो आदतें हमारी खराब हैं उस पर हम गलत का निशान लगाएंगे. मदद न करने, हमें किसी की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए. तो ये लाइन गलत है. अयोग्य. झाड़ लाउड़े, हमें अपने आसपास पेड़ों को लगाना चाहिए. अच्छी आदत है? नहीं. अच्छी आदत है. सकाळी लवकर उठने, हमको सुबह जल्दी सोकर उठना चाहिए. हाँ. अच्छी आदत. योग्य सवाई की अयोग्य? योग्य सवाई. अच्छी आदत. ठीक है.
कचरा गोड़ा न करने, कचरा कहीं भी हमें फेंकना चाहिए कि इकट्ठा करना चाहिए? कट्ठा। हाँ, तो कचरा गोड़ा न करने क्या है, अच्छी आदत की बुरी आदत? अच्छी आदत। हम लोग ज्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, कचरा आदत। नहीं फैला रहेगा ना, तो दांत से नियमित रूप से ब्रश करना अच्छी आदत की बुरी आदत? अच्छी आदत। क्योंकि भाई सारे उसी राह जाने, स्कूल में हमें समय पर पहुंचना चाहिए कि देरी से, समय पर पहुंचना चाहिए, शायद उसी राह जाने, देर से जाना ये अच्छी आदत नहीं है, योग्य सवई नहीं है, अयोग्य है। पर देवणे, मम्मी हमें बुलाती है ना खाना खाने के लिए, तो हमें समय पर खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि टीवी देख रहे हैं मम्मी मैं बाद में आता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए, नहीं। समय पर खाना चाहिए। स्वतःला नीट रखने, हमें अपने आप को व्यवस्थित रखना चाहिए, बालों में कंघी करके, नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर, तो ये अच्छी आदत। अभी देखो क्या दिख रहा है, कविता की लाइनों में जो शब्द आया है, हमें उसी शब्दों के नीचे लाइन करनी है। अभी देखो कौन सी लाइन आई है कविता में, जेमड़ की खाऊ खायला माजा हाथ, कौन सी लाइन आई है? जेमड़ शब्द आया है कि खाऊ, गुड, तो हम लोग खाऊ के नीचे लाइन करेंगे, खाऊ खायला माजा हाथ। दूसरे में देखो, दांत घासायला माझा हाथ कि जीभ घासायला माझा हाथ, दांत के नीचे लाइन करेंगे, दांत घासायला माझा हाथ। अभी देखो तीसरी लाइन, कपाट किंवा दार उघडायला माझा हाथ, कोणता शब्द आला है? कपाट की दार, दरवाजा खोलने के लिए मेरे हाथ। चौथे में देखो, कचरा कढ़ायला माझा हाथ कि कागज कढ़ायला माझा हाथ, कचरा कचरा कढ़ायला माझा हाथ, मदद किंवा खेड करायला माझा हाथ, मदद करायला माझा हाथ, करायला माझा हाथ। माझा। फिर से देखते हैं लास्ट वाली लाइन, देखो माझा पाय कि माझा हाथ, कौन सी लाइन है? हाँ, माझा हाथ। माझा हाथ। माझा हाथ, माझा हाथ। अभी देखो इसमें लाइनें हैं और शब्द हैं, उसको क्या करना है, जो सही शब्द है जिसका हम उपयोग करते हैं उसको गोला करना है, योग्य शब्दांना गोड करा। आपण ते काम करण्यासाठी कोणत्या अवयवांचा वापर करतो ते पहा आणि सांगा। आम्ही धावण्यासाठी वापर करतो हाताचा, पायाचा, नाकाचा। हम लोग दौड़ने के लिए किस अंग का उपयोग करते हैं? हाथ का, पैर का, नाक का। पहला है पाय, दूसरा पाय, हाथ नाक। का, उठे आए शब्द पाय, दूसरा शब्द आया ना पाय। आम्ही धावण्यासाठी पायाचा वापर करतो। अभी दूसरी लाइन देखो, आम्ही पाहण्यासाठी वापर करतो डोळ्यांचा, नाक, कान। किसका उपयोग करते हैं देखने के लिए? के लिए कौन सा शब्द आया है? डोळे। डोळे। काही वस्तु चढ़ण्यासाठी वापर करतो, कोई भी वस्तु को उठाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, तोड़ हाँ।
नाक हात कोणत्या अवयवाचा वापर करतो? हात 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 आम्ही वास घेण्यासाठी वापर करतो, हम सुगंध लेने के लिए अपने ही सर का उपयोग करते हैं, कान का, नाक का, नाक का, गुड। अभी देखो आम्ही जेवण करण्यासाठी वापर करतो, नाकाचा, तोंडाचा, कानाचा, कोणत्या अवयवाचा वापर करतो? तोंड। तोंड। खाना खाने के लिए हम लोग मुंह से खाते हैं ना, मुंह में डालते हैं भोजन। अभी बोलण्यासाठी वापर करतो, हम लोग बोलने के लिए अपने ही अवयव का उपयोग करते हैं, हाथ, डोड़े, तोंड। मुंह से हम लोग बोलते हैं ना। अभी बोलण्यासाठी वापर करतो, हम लोग क्या करते हैं, सुनने के लिए इस अवयव का उपयोग करते हैं, पायाचा, कानाचा, नाकाचा, कोणत्या अवयवाचा वापर करतो? कान। 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 अभी देखो हमने पाठ किया ना पूरा, कविता याद करनी है, आप लोगों का गृह कार्य है, होमवर्क है, घर काम है, क्या करना है, कविता को अच्छी तरह याद करना है। माझा हात ही कविता ताला सुरात गायन व पाठ करा। कविता को क्या करोगे आप लोग, याद करोगे। हमने इसमें क्या देखा, इस कविता में कोई भी काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपने हाथों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। आया पाठ समझ में अच्छी तरह? कविता को याद करोगे, ठीक है। अभी दूसरे टीचर का लेक्चर होगा 8:40 पर, शांति से ऐसे ही बैठोगे, ठीक है। कोई भी सो मत जाना दोबारा, नींद आ रही है किसी को? नहीं, नहीं। फ्रेश हो गए ना, जो आधे नींद में थे वो भी पूरे फ्रेश हो गए। अभी अच्छे से बैठोगे, 10 मिनट बाद फिर टीचर आएंगी, ठीक है। ठीक है सर।